गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। कड़ाई से निपटा जाएगा त्योहारों के मद्देनजर डीएम एसपी की अध्यक्षता में हुई थी कमेटी की बैठक। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जनपद में सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे की उपस्थित में हुई। इसमें डीएम ने लोगों से आपसी सौहार्द के बीच पर्व मनाने की अपील की। नवरात्र, दशहरा, दीपावली एवं डाला छठ पूजन आदि त्योहार को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर विभिन्न समुदायों के प्रबुद्धजनों, मौलवियों, पुजारियों, मुतवल्लियों एवं धर्मगुरुओं के साथ हुई बैठक में डीएम ने जनपद में शांति एवं अमन चैन, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए त्योहारों को मनाए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहार में किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी, जो पहले से लागू है यथावत उसका पालन करना होगा। बिना अनुमति के कोई भी जुलूस या शोभा यात्रा नहीं निकाले जाएंगे। उन्होंने सभी से स्पष्ट रूप से कहा कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज एक निर्धारित मानक के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही जुलूस के दौरान कोई भी व्यक्ति अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता है और न ही कोई ऐसी भड़काऊ भाषण देगा जिससे किसी संप्रदाय के व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। जिलाधिकारी ने जनपद में त्योहारों को मद्देनजर साफ सफाई, प्रकाश, विद्युत, पानी की व्यवस्था, जर्जर सड़क की मरम्मत कराने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, इसकी स्वच्छ एवं साफ सुधरी छवि को बरकरार रखने के साथ ही राष्ट्र के विकास में सहयोग करें। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से त्योहारों को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए आपस में संवाद करने को कहा। उन्होंने कहा कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपना त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने कहा कि अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी एवं माहौल खराब करने वालों के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भाईचारा, कौमी एकता, गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमारा जनपद जाना जाता है, इसको बरकरार रखा जाए। कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, यह आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। उपस्थित सभी संभ्रांत व्यक्तियों एवं धार्मिक गुरुओं ने भी अपना विचार व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का वचन दिया। इस अवसर समस्त उप जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, समस्त क्षेत्राधिकारी, थानाधीक्षक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। उसमें आराम कर दिया गया था उनकी निर्धारित उसी बोलियों में। दूसरा, जो कुछ लोगों ने यहाँ पे विसर्जन के स्थानों का बताया, तो डीएम मैडम से रिक्वेस्ट की गई है कि गड्ढे कुछ कुछ एरियाज में ज्यादा हम लोग बनाए जहाँ पे विसर्जन हम लोग कर सकते हैं। अक्सर आगे किसी व्यक्ति ने अभी बताया था, तो उसको किया जाएगा। हम लोग कोशिश इस बार करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये हो, इकट्ठे करें और उसमें विसर्जन जो वो किया जाए, क्योंकि नदियों में विसर्जन करना प्रतिबंधित है। एक दो पॉइंट, जो जो प्रतिमाएं रोड के किनारे ऐसी लगती थी जिसकी वजह से रोड पे ट्रैफिक जो है उसका उसमें अवरोध पैदा हो जाता था, आने जाने में दिक्कतें होती थी, तो मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि इस बार और थोड़ा किनारे उस मूर्ति को, उस मंडप को हम लोग करें और ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से लेकर चले, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न हम लोग इसमें करेंगे। जिस दिन यहाँ पे होना है और उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था है, पहले ही इंस्पेक्टर्स और सीओ को उसमें कर लेना, ताकि कोई भी घटना जैसे पंजाब के अंदर हुई थी वैसी घटना ना।